हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे जूड़ा, उसके बाद फिर मैं आपको हैंडकरचीफ बांध के बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं स्टोल यानी कि स्कार्फ बांध के बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने मिडल हेयर पार्टीशन कर ली है, उसके बाद हम जो सामने के हेयर से उससे राउंड करेंगे और उसे पिन अप कर देंगे। ये सामने के हेयर्स लिए हैं, उसको पिन लगा देंगे। दूसरे भी साइड से वैसे ही सेम सामने के जो थोड़े हेयर है वो ले लेंगे और फिर उसे राउंड करके उसे भी पिन अप कर देंगे। तो इतने दिनों से मुझे सब बोल रहे थे कि वीडियो बनाओ, हैंडकरचीफ बांध के बताओ, स्कार्फ बांध के बताओ। मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा को बुखार था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मैं बना रही हूँ, तो सेम वैसे ही करेंगे, पार्टीशन करेंगे, उसके बाद उसे भी ट्विस्ट करेंगे हेयर्स को और उसे भी पिन अप कर देंगे। ये कर दिए हमने पिन अप। उसके बाद हम बन बनाने के लिए पीछे पहले पोनीटेल बनाएंगे, और बन बनाने के लिए ना दो रबर बैंड लगते हैं, तो मैंने 3 रबर बैंड का यूज़ की हूँ। जो बन रहता है वो मैंने यूज़ नहीं की हूँ, जो बन की जगह मैंने बड़ा वाला पोनीटेल यूज़ की हूँ। तो पहले मैंने पोनीटेल बनाई, उसके बाद बड़ा वाला रबर ली और फिर उसके ऊपर मैंने बालों को रख दी, मतलब उसको बालों से ढक दी और उसके ऊपर और एक रबर बैंड लगा दी और उसे गोल कर दी। और फिर जो बचे हुए हेयर्स है उसे ट्विस्ट करते करते, मतलब ऐसे टाइट नहीं लगाना है, एकदम हल्के हल्के ट्विस्ट करके उसे पिन अप कर देना है अपोजिट साइड में। अभी ये इसके अपोजिट में जाएगा ट्विस्ट होके। तो ये बन गया है हमारा जूड़ा यानी कि बन। ये रेडी है हमारी हेयर स्टाइल, जूड़ा हेयर स्टाइल और बन हेयर स्टाइल। अभी मैं हैंडकरचीफ बांध के बताऊंगी। ये है हैंडकरचीफ, इसके पहले मैंने वीडियो बनाई हूँ, तो फिर मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोले कि ईयर्स की यानी कि कान के नीचे से लेते जाते हुए हैंकरचीफ बांध के बताओ। तो फिर ये मैंने बांध के बताई। ईयर्स के नीचे से यानी कि कान के नीचे से, और फिर अभी मैं आपको स्कार्फ बांध के बताऊंगी यानी कि स्टोल। ये रहा हमारा स्कार्फ, इसे लेंगे और इसे सर के ऊपर लेंगे। डबल फोल्ड करके नहीं बांध रही हूँ मैं, सिंगल फोल्ड करके ही बांध रही हूँ। ये सिंगल फोल्ड है, ये लिए हमने, और दूसरी भी हम सिंगल फोल्ड ही करेंगे, मतलब फोल्ड ही नहीं करेंगे, बस सिंगल ही रहने देंगे लेयर, और उसे पीछे में बांध देंगे जूड़ा के ऊपर यानी कि बन के ऊपर उसे बांध देंगे। ये है हम रेडी स्कार्फ बांध के पीछे के साइड से। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू।